सो हे गाइज, अगर आप किसी भी चीज़ का शौकीन हैं तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जैसे कि वह सुबह टहलने का शौकीन है, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, तुम कंप्यूटर चलाने का शौकीन हो, वह पढ़ाई का शौकीन है, तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह के वाक्य को कहने के लिए फंड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। फंड ऑफ का हिंदी में अर्थ होता है शौकीन। तो चलिए इसे बनाने का रूल समझ लेते हैं। इसका रूल है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद से लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से लिखेंगे फंड ऑफ, उसके बाद से लिखेंगे नाउन होगा तो नाउन लिखेंगे, और वर्ब होगा तो वर्ब की ING फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद से लिखेंगे अदर वर्ड अगर होगा तो। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं कार चलाने का शौकीन हूँ। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग द कार, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग द कार। मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। मैं स्विमिंग का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। वह मूवी देखने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी, ही इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी। मैं पढ़ाई का शौकीन था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, आई वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। वह चाय पीने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, ही इज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। तुम कंप्यूटर चलाने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर, यू आर फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर। मैं तुमसे बात करने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। एक सवाल आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप नहाने के शौकीन हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा।